हे व्हाट्सएप गाइज, अनुज केमेश में आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। बेसिकली आज बात करेंगे दो चीज़ के ऊपर। एक हो गया कि जो दो प्रॉब्लम हो रहा है, एक पिक्सल टास्क क्यों नहीं आ रहा या फिर कम क्यों आ रहा है, और दूसरा अभी जो पहले था अनलिमिटेड कॉइन आप जनरेट कर सकते थे तो उस पर थोड़ा सा रोक लग गया है। तो आज के टाइम पर फिर क्या करना है ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास आके पहुंचे। अभी देखो बेसिक मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई मुझे पिक्सल टास्क कम मिल रहा है और या फिर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी लास्ट वीक में जो ए में हुआ था उसके अकॉर्डिंग ल्यूक ने बोला था कि भाई हम लोग कुछ टास्क बोर्ड का अपडेट करेंगे, मंडे तक कर लेंगे, ठीक है। तो मंडे मतलब हम लोगों को यहाँ पे ट्यूसडे सुबह 5:30 बजे का टाइम रहता है। तो उसके हिसाब से टास्क बोर्ड में पता नहीं क्या चेंजेस आया है। मैं अपना भी आपका मैं डैशबोर्ड खोल के दिखा लेता हूँ। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मिल नहीं रहा है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में। तो अगर मैं एक सेकेंड रूम के अंदर चलाता हूँ, पहले टास्क थोड़ा जल्दी चल रहे भाई। हाँ तो देखो बेसिकली अभी ऐसा हो गया है कि भाई पिक्सल ने इसका इनका एक चीज़ मतलब प्लस पॉइंट भी बोलूँगा या फिर नेगेटिव पॉइंट भी बोलूँगा कि ये लोग चेंजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए। हर हफ्ते आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। यहाँ पे देखो मैं अपना दिखाता हूँ, ठीक है। देखो लास्ट तीन आज 10 तारीख है, नहीं कल 10 तारीख चला गया, 8, 9, 10 कोई पिक्सल टास्क मुझे भी नहीं मिला है, ठीक है। हालांकि उससे पहले देखो मतलब 3-4 मैं ज़्यादा टास्क करता भी नहीं, 40 कल किया था, 24 कल किया था, 10 करके छोड़ दिया था क्योंकि आ नहीं रहा था और मैं भी थोड़ा काम कर रहा था तो नहीं कर पाया। मैं एवरेज 30-40 के बीच में काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा, ठीक है। तो पिक्सल का अभी मतलब एक ऐसा सिचुएशन है ना, ये लोगों का मेन फंडा ये है, मैं बहुत बार वीडियो में भी बोला हूँ पहले कि भाई एक ही उपाय है, आप अपना लेवल जितना हो सके ऊपर लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे ही ग्रुप में कोई टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि भाई मेरा 290 लेवल है, मैं लास्ट 5 दिन में 145 पिक्सल उसको मिला हुआ है, तो वो लगभग 80 के आसपास टास्क करता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि आपको 70-80 करके मतलब थोड़ा ज़्यादा पिक्सल करके आपको करना पड़ेगा तब जाके आपको कुछ बेनिफिट होगा। कल मैं 10 किया था, हो सकता है मैं अगर 50-60 कर लेता तो कुछ ना कुछ आ ही जाता, ठीक है। तो एक तो आपको मतलब थोड़ा सा एग्रेसिवली करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको कॉइन को भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा, उसके बाद मैं कॉइन जनरेशन पर भी आता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैं बेसिकली फार्मिंग का मेरा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मेरा फार्मिंग लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कुकिंग का आ रहा है और उसके बाद माइनिंग का, ठीक है। तो मतलब जो लेवल जिसका जितना ऊपर है उसके हिसाब से उसको मिलेगा। तो अभी देखो मैं चाहूँ तो ये सब मार्केट से खरीद सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ पर ध्यान देना होगा। जो चीज़ पॉसिबल है तो उसको आप फटाफट से खरीद के, जैसे स्लॉथमेटो या फिर नेप्रिकॉट, टैटो फ्रूट, ये सब आप खरीद के तुरंत बना सकते हो, मतलब तुरंत उगा सकते हो। तो ये सब चीज़ ना आप कुछ बल्क में खरीद के रखो, जैसे 100 पीस कैरेट खरीद के रखा, 100 टैटो खरीद के रखा, तो वो एक बार जाके आप फार्मिंग कर लो पूरा। मतलब मेरा कहने के मतलब है जैसे मानो ये आप आराम अब यहाँ से करोगे तो आपको 125 कॉइन देना पड़ेगा और उसके बदले में आपको 86 कॉइन मिलेगा, मतलब आपको -39 कॉइन का कुछ फ़र्क आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आप टैटो बनाओगे, टैटो का अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो सस्ता पड़ेगा टैटो। टैटो कितना ही पड़ेगा आपको, अगर 5 करना है ना। तो मैं टेराविला में जाता हूँ, मैं भी एक्चुअली फार्मिंग करना छोड़ दिया हूँ एक तरह से, क्योंकि एनर्जी जो मिलता है बाकी लेवल उठाने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। टैटो का जो भी है मतलब ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। टैटो सीड मुश्किल से एक सेकंड में देख लेता हूँ, मतलब बेसिकली कहने की मतलब है कि आप जो भी यहाँ पे फार्मिंग टैटो 10 का मतलब आप 50 कॉइन खर्चा होगा और आपको 85 कॉइन मिलेगा। तो ये सब ना आपको लगेगा कि भाई छोटा छोटा चीज़ है, 30-35 खर्चा हो जाए तो क्या होगा। यही आप जब लॉन्ग टर्म में करोगे ना तो आपको फ़ायदा मतलब काम का चीज़ मिलेगा, ठीक है।
ये तो एक चीज़ है। बटरबेरी जैसे यहाँ पे आपको खरीद के बनाने में बटरबेरी का कितने लेते हैं, बटरबेरी का आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, बटरबेरी का कितना ही लेता है ठीक है। तो सीड अगर लगा के अगर या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो वो सब करोगे तो फायदा होगा ठीक है। दूसरा चीज़ जैसे प्लास्टर वगैरह हो गया, जैसे प्लास्टर आप मार्केट प्लेस में अगर जाके आप खरीदते हो प्लास्टर, मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि एकदम से डायरेक्ट से मार्केट से मत खरीदो, मतलब कॉइन ऐसा नहीं कि बहुत, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉइन मिल जाएगा, लेकिन जो कॉइन खर्चा हो रहा है ना वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको मार्केट से खरीदोगे तो पड़ेगा आपको 231 खरीद के बनाओगे तो यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा प्लास्टर, 10 प्लास्टर 231 ठीक है, 231 × 10 2310 कॉइन खर्चा होगा ठीक है। तो फिर भी कितना मिलेगा आपको, 120 मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो सॉरी कुछ चीज़ें हैं जो एकदम से आप बना नहीं पाओगे या फिर आप मतलब अलग अलग करने जाओगे तो टाइम लगेगा, वो चीज़ आप खरीद के मतलब डायरेक्ट खरीद के कर सकते हो, बाकी आप कर लो मतलब खरीद के बना लो ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया मतलब पिक्सल टास्क, बेसिकली मेरे मुझे अभी मतलब करेंट सिनारियों से दो ही चीज़ लग रहा है पिक्सल मिलने का। एक तो आप लेवल आप कर लो, मेरा कितना 222 लेवल है, तो एक तो आप डेली करके लेवल आप करो, एक सब लेवल को एक साथ में ऊपर लेके जाओ। मैं लास्ट लाइव में भी बोला था जितना भी आपका लेवल है मतलब जो नीचे वाला लेवल है उसको सब कोशिश करो एक साथ ऊपर ले जाने का ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल टास्क करो, 10 20 या 30 करके या 40 करके नहीं होगा, आप 60 70 करो तब जाके आपको पिक्सल टास्क कुछ कुछ मिल जाएगा। हाँ कभी कभी ये भी हो सकते हैं, कोई कोई दिन के बाद आपने 80 टास्क कर लिया, आपको हो सकता है 2 या 3 ही पिक्सल मिला है ठीक है, तो वो बैड डे मतलब बैड लग वाला डे कभी ना कभी एक दिन आएगा ही ठीक है, लेकिन वो हमेशा नहीं आता। आप डेली करोगे तो आपको अर्निंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं देखा हूँ जो भी बंदे अच्छा खासा अर्निंग किया करता है वो कम से कम 80 70 80 80 तो करता ही है ठीक है। ये एक चीज़ रखो। अब आप बोलोगे कि भाई मनोज भाई 80 करूँगा तो उसके लिए कॉइन भी चाहिए होगा और मार्केट प्लेस का हालत ख़राब है, तो मैं अभी एक छोटा सा मतलब ट्रिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप भी थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो इसके अंदर सारा चीज़ दिया हुआ है ठीक है, कोई अगर बोल दे कुछ ट्रिक वगैरह है, कुछ नहीं ट्रिक कुछ नहीं होता, आप कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हो उसके ऊपर आपका अर्निंग डिपेंड करता है। कोई भी बोल देगा, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो मैं देखता हूँ इधर कि बोलता है कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है। कल कोई वीडियो देख रहा था, कोई बंदा बोल रहा था कि मैंने 1000 कॉइन खर्च जनरेट कर दिया पर डे और मुझे कितना पिक्सल मिला, तो मैं जाके देखा उसका वीडियो, उसने 1 लाख कॉइन खर्चा किया, उसको मिला है 2 2 या 3 पिक्सल मिला है ठीक है। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलना होगा ठीक है। पूरा चीज़ ये गेम पूरा कैलकुलेशन के ऊपर बेस है, आप जितना अच्छा कैलकुलेशन कर पाओगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। तो देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी के लिए अनलिमिटेड दे रहे हैं, पता नहीं कितना दिन होगा, पॉपबेरी वाइन या ग्रैम्पिंग वाइन कोई भी खरीद लो ठीक है, 9.29 है। मतलब आपको ध्यान देना होगा ये जो कॉस्ट पर एनर्जी है, आप जो सामान बनाओगे वो कॉस्ट पर इससे ज़्यादा होना चाहिए कम से कम, साढ़े नौ करके फ़ायदा नहीं, ज़्यादा कोशिश करो कि 10 के ऊपर आपको दे रहा है रिटर्न ठीक है। तो एक चीज़ मैं देखा हूँ, मैं उसका तरीका भी बता देता हूँ कि आपको खर्चा भी कम होगा उसमें, तो आप क्राफ्टिंग में चले जाओ और चले जाओ कुकिंग में। कुकिंग में 3 आइटम है, मैं बता देता हूँ, अप डाउन होता रहता है। एक तो इसको पकड़ लो ठीक है, Tier 2 का ऑरेंज ग्रैम्पिंग पाई, ये फिक्स रहता है, ये इतने के आसपास रहता है और ऊपर नीचे होता है, कहाँ चला है ये पॉपबेरी सॉरी ग्रैम्पिंग लोफ और ग्रैम्पिंग पाई, ये दोनों बड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप चाहो तो उसको कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड रहता है ग्रैम्पिंग पाई 10:30 ठीक है, 5 मिनट लगता है, 16 एनर्जी खर्चा होता है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको डायरेक्ट मार्केट से खरीद लो, बनाने मत जाओ, ज़्यादा कॉइन मतलब ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा ठीक है। यहाँ पे आपको 10 मतलब 10:30 दे रहा है ठीक है, और यहाँ पे आपको खर्चा हो रहा है 9.23, मतलब ये बनाओगे तो प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसके लिए तो आप वुड भी डालना पड़ेगा, लकड़ी डालेंगे तो कैसे होगा, फिर लकड़ी का भी खर्चा इसमें ऐड होता है, एक एक लकड़ी डालना पड़ता है। तो एक तो चीज़ ये है कि एक लकड़ी डालोगे तो आपको मतलब मल्टीपल टाइम आप बना सकते हो, ये तो है कि वो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर आप करोगे तो। और दूसरा चीज़ है आपको लेवल 2 का भी ये चाहिए, लेवल 2 का भी ओवन चाहिए, तो आप एक चीज़ करो कोई भी लैंड पे जाओ, जैसे 9JOG का एक लैंड है
लैंड नंबर है 4421, इस पर थोड़ा सा घर के अंदर खाली रहता है, और एक है 4427, इसमें घर के अंदर बाहर दोनों ही भीड़ रहता है। मैं 4421 में जाके दिखाता हूँ, 9GAG का खुद का लैंड है, आप चाहो तो आप भी जा सकते हो। इस पर जाके क्या करना होगा, आपको सीधा आप चले जाओ, अच्छा 4427 जो है ना उस पर, ये पता नहीं ये बंदे को मैं कंप्लेंट करना होगा, ये जो वेफी रॉड है ये हमेशा क्या करता है, उगा देता है, उगा के भाग जाता है। ये मैं कल शाम से देख रहा हूँ, अभी तक इसका लगा हुआ है। मैं इसके ओनर से भी बात किया था, जो लैंड ओनर, वो बोलता है मैं क्या ही कर पाऊँगा बताओ, फिर हटाना पड़ेगा मुझे बार बार। तो आप सिंपल आके इसके रूम के अंदर चले जाओ, रूम के अंदर जाके क्या होगा, इसने इसको मैं बोला हूँ कि भाई थोड़ा सा चेंजेस वेंजेस कर दे, तो इसके अंदर आपको मिलेगा टीयर थ्री और टीयर फोर का क्या कहते हैं ओवन, टीयर थ्री, और अभी भीड़ चल रहा है भाई साहब, कुछ बना बना रहा होगा लेकिन ज़्यादातर खाली रहता है, ठीक है। तो टीयर थ्री और टीयर फोर का ओवन मिलेगा, इसमें क्या है, ये दोनों ना इलेक्ट्रिक ओवन है, टीयर थ्री और टीयर फोर, इसमें वुड नहीं चाहिए होता है, आप कुछ भी जाके तुरंत बना सकते हो, इसमें वुड का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ये जैसे ये हो गया, ये जो धुआं निकलता है ना, इससे आपको वुड चाहिए, और जिसमें धुआं नहीं निकलेगा आप समझ लेना वो इलेक्ट्रिक से चलता है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ आके जैसे यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 आइटम एक साथ है। आप 4427 पे भी चले जाओ, उसके अंदर भी बहुत सारा ओवन है। तो आप यहाँ पे सिंपली आओ, टीयर थ्री तक आइटम आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आके ऑरेंज ग्रैम्पिंग पाए, इसको एक साथ एकदम 16 एक साथ लगा दो, फिर ये वाला, ये टीयर फोर का है स्कैरेट लो, अच्छा स्कैरेट लो मेरा अनलॉक है, बहुत बढ़िया। तो इस पर भी आके आप बना लो, मतलब ये हो गया इसका ओवन हो गया। दूसरे का अगर मैं जाता हूँ 4427 में, 4427 में एक चीज़ बहुत सही है, उस पर टीयर थ्री का लैंड भी है अगर आप चाहिए, हालांकि कम है लेकिन मतलब काम चलाओ लायक है। 4427 में अगर मैं आता हूँ अंदर, चल जा भाई, ये टीयर वन का है, ये टीयर टू का है, और ये टीयर थ्री का है, ठीक है। सॉल्ट मेटो वगैरह अगर बनाना होगा आप आके यहाँ पे आराम से बना सकते हो, ये एक बेनिफिट है 4427 में। लेकिन भीड़ बहुत रहता है, शाम के टाइम पे आप आओगे तो, अच्छा मैंने गलत बोल दिया लगता है, एक सेकंड रुक जाओ, 1629 शायद, मतलब ये सब ना आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट जो लैंड नंबर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको इसी में मिलेगा, मिल जाएगा, ये मेरा, मैं जितना रिसर्च किया हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। आप अपना रिसर्च करोगे तो आपको भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी विंड मिल कौन चला रहा है भाई, इसमें फ़ायदा है ना विंड मिल चलाने में? ये देखो इधर तो भीड़ रहती है, यहाँ पे भी आपको, अच्छा इसने हटा दिया कुछ कुछ, तो यहाँ पे भी आपको लगातार ओवन मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन मिल जाएगा, और ये चूल्हा भी मिल जाएगा, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब कोई कोई क्या होता है, कोई कोई अगर आप लकी हो तो अंदर आके कोई खाना बना के चले जाते, जैसे ये वाला, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे अभी बना सकते हो, ठीक, मेरे पास आइटम है नहीं, नहीं तो मैं बना लेता, तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे बना सकते हो। तो मतलब बेसिकली ये है कि इससे आपको, मैं कल कुछ कर रहा था, ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, मतलब मैं कल 135 बनाया था तो मेरा शायद 3000 के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ था, 495 में बिक रहा था, मैं कल 495 में बेचा था, ठीक है। तो कॉइन जनरेट करने के लिए ये दो चीज़ आप कर सकते, ये चीज़ आप कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। और भी बाकी आइटम है लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक पर्टिकुलर टाइम रख दो, जो आपको फ्री एनर्जी मिलता है उससे मत करो, आप खरीद के करो, उससे करोगे तो क्या होगा, आप बाकी लेवल इफेक्ट पड़ जाए, मतलब बाकी जो भी स्किल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मेरा प्लानिंग ये है कि आप जो आपका फ्री एनर्जी, जो 7000 एनर्जी डेली मिलता है, उसको आप यूटिलाइज करो आपका बाकी जो भी मतलब इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने में, ठीक है, उसका लेवल अप करने में। और ये जो है ये प्योरली आप खरीद के ही करो, मतलब जैसे मानो जो भी वाइन वगैरह जो भी यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है उसको खरीद के उसको पी के फिर करो, अपना जो बेसिक फ्री एनर्जी है उससे मत करो, ठीक है। तो मतलब करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको अगर फ्री एनर्जी से करोगे, लेकिन नुकसान ये भी होगा कि आप अपना लेवल भी ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है। और अभी एक और चीज़, अगर आपके पास मतलब जब रिसोर्सेज मिल रहा है, गिल्ड लैंड होने का ये फ़ायदा है कि जब इनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है तो आप फालतू में जाके अपने लैंड पे क्यों मतलब करोगे, आप ओवन चेंज करोगे, बनाओगे, उसमें ज़्यादा आपको पैसा भी खर्चा होगा, एनर्जी भी
मतलब एक तरह से कॉइन ज़्यादा खर्चा होगा, और कि जितना ज़्यादा लगाएगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो ऑलरेडी लैंड कुछ ऐसा सर्च कर लो, अपने गिल्ड के अंदर होगा, गिल्ड के बाहर होगा, ओपन लैंड जो भी है वो सर्च कर लो, जिससे आपको मतलब उसके पास ऑलरेडी सामान है, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप सामान देख लो, मतलब लैंड फाइंड कर लो। उसके अंदर मैं अपना लैंड दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4421 1629 119 का पता नहीं अभी, 4427, ये तीन लैंड पे आपको कुकिंग अगर करोगे तो फ़ायदा है आपको, कुकिंग और एज वेल एज आप अगर फार्मिंग भी करोगे तो 1629 पे तीन लैंड, मतलब टीयर थ्री का भी लैंड मिल जाएगा। तो इसको डेली रिपीट करो, एक टाइम पकड़ लो डेली, उसको पी के फिर बना दो। अब इतना सारा ओवन मिल रहा है, आप मतलब हर लैंड पे आपको लेवल टू टीयर टू का तो ओवन मिल ही जाएगा, तो सब पे लगा दो एक साथ, मतलब 5 मिनट लगता है ना, तो एक साथ मानो के 50 उसमें लगा दिया, 50 एक साथ लगा दिया, तो 50 अगर लगाओगे आप तो आपको मतलब यहाँ पे ऑरेंज ग्रम्पिंग आता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट पर एनर्जी कितना हो रहा है, 50 में अगर लगाओगे यहाँ पे आपको 174 का प्रॉफिट हो रहा है ना एक एक में, तो अगर आप 75 में लगाते हो, मैं प्योर एनर्जी का बोल रहा हूँ, ठीक है, 50 में अगर लगाते हो तो 50 में अगर लगाते हो तो एक में प्रॉफिट हो रहा है 174, और 50 बनाने में आपको लग जाएगा, एक सेकंड को, 50 बनाने में आपको लग जाएगा 800 एनर्जी। ठीक है, 800 एनर्जी में मतलब आपको पॉप बेरी मिल जाएगा 77 करके हम अगर मान लेते हैं, तो मैं 77 ही मान लेता हूँ, जैसे मानो 770 डिवाइडेड बाई 16 तो 48 बन जाएगा। ठीक है, 16 करके एनर्जी आ रहा है ना, तो 48 एक मतलब 10 बोतल अगर पॉप बेरी वाइन कंज्यूम करोगे तो आप इसको 48 पीस बना सकते हो। ठीक है, और एक एक में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 172। ठीक है, अभी तो कम है, ठीक है, और बढ़ जाए, मैं कल 85 करके किया हूँ, तो मैं इसको 180 मान लेता हूँ कि प्रॉफिट हो गया 180। ठीक है, तो हो गया 8000 डिवाइडेड बाई 1.01 जो मार्केट में कट जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया, और अब 10 बोतल ना, एक एक बोतल का हो गया 7715 माइनस 7150, 10 बोतल खरीदोगे आप तो आपको मतलब 10 बोतल पियोगे तो आपको 1500 का फ़ायदा हो जाएगा, मतलब पी के बनाने में। ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, 100 मैंने कितना बताया, मैंने 48 का बताया ना, आप ये चीज़ आप ज़्यादा रिपीट करोगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। प्रॉफिट पर एनर्जी कम इसीलिए है कि भाई मार्केट में कोई आइटम है ही नहीं, ठीक है, मतलब बनाने के लिए। अगर आप फ्री एनर्जी से करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन जो बोला मैं माइनस पॉइंट ये है कि आपका स्किल लेवल आप जल्दी से अपग्रेड नहीं कर पाओ। ठीक है, तो बस यही तरीका है, देखो अभी बढ़ गया इसका, 14 हो गया। ठीक है, तो ये अप डाउन करेगा, अप डाउन करेगा, ये कौन सा है, बटर वेरी पाई है। ठीक है, रेनबो टाइप, मतलब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई मेरे हिसाब से कुकिंग में भी ज़्यादा फ़ायदा वही है, आप जितना ज़्यादा लैंड मिल जाए उसमें सब में लगा दो, या 100-200 एक साथ कर लो। ठीक है, तो फिर आपको और भी फ़ायदा होगा। तो ये दो चीज़ कर सकते हो, पिक्सल के लिए आप मतलब बना अपना 70-80 से आसपास टास्क करना होगा, और उसके लिए आपको यहाँ से कॉइन भी जनरेट करते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज का इतना ही है वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी क्वेश्चन होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।